आज हम देखेंगे मशरूम को किस तरह से साफ करते हैं। मशरूम में पूरी तरह से मिट्टी लगी रहती है, तो इस मिट्टी को ठीक से साफ करना बहुत जरूरी है। मशरूम को इस तरह से पकड़िए, बहुत नाजुक है ये डंठल है जिसे हम स्लोली आस्ते से इसको अंदर की तरफ दबा के ऐसे पुश किए और इस तरह से ये निकल आएगा। देखिए बहुत आसान है, और इसे हम सूप बनाते वक्त भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सूप बना रहे हैं तो इसे फेंके मत, इसका सूप बना दीजिए। एक और मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इसे थोड़ा सा पुश किए और ये ऐसे निकल आएगा। कुछ लोग डंठल को रखते हैं, और अगर रखना हो तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर का भाग जो है वो फेंक देंगे काट कर और इस तरह से रखेंगे। अब ये जो ऊपर वाला भाग है ये एकदम मिट्टी से भरा हुआ है, इसे हमें निकालना जरूरी है। ये निकालेंगे तो अंदर देखिए आप एकदम क्लीन होगा। तो इसे निकालने के लिए बहुत आसान है, ये ऊपर इस तरह से छिलका है ऊपर का, इस तरह से निकाल दीजिए। एकदम हल्के हाथों से निकल जाएगा, ये बहुत आसान है। सिर्फ कोई अगर फर्स्ट टाइम बना रहा हो तो उसे पता नहीं होगा कि इसे किस तरह से साफ करते हैं, बस उनको हेल्प हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तब मुझे भी ये सवाल उठा था कि इसे बनाते कैसे, इसे साफ कैसे करते हैं, और बहुत जरूरी है मशरूम को साफ करना। ये देखिए, और इस तरह से साफ करने के बाद इसे हम पानी में फिर से धोना जरूरी है। ये देखिए, अगर आपको हाथ से नहीं निकल पा रहे तो आप चाकू के मदद से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, अब इसे हम पानी से धोएंगे। पानी में भिगो के नहीं रखना है, ये पानी एब्जॉर्ब करता है। इसे पानी के नीचे, रनिंग टैप के नीचे भी, आप रनिंग वाटर के नीचे इसे धो सकते हैं, या पानी में डुबो के फटाफट से धो के इसे निकाल लीजिए। इस तरह से हम पानी में भिगो के उसे दो तीन बार धो लेंगे। ऐसे थोड़ा हाथ से मल लीजिए और जल्दी जल्दी धो लीजिए। ज्यादा पानी में भिगो के रखना नहीं है। अब इसे अपने पसंद से जैसा चाहिए उस हिसाब से काटिए, चार टुकड़े में, दो टुकड़े में, या एकदम बारीक, जैसा आपका रेसिपी है उस हिसाब से काट के आप उसे बना लीजिए। ये आपका मशरूम का सफाई पूरा हो गया।